मणिपुर की बात कर देता हूं, जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मणिपुर की बात कर देता हूं, जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मणिपुर की बात कर देता हूं, जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।